हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फोर क्लास सिक्स सोशल साइंस की बच्चों की वर्कशीट है, जो आपके लिए 26 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 3 जो है स्टार्ट करेंगे, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट स्टार्ट। इंडस सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन इन द अर्लीस्ट नोन अर्बन कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो बेटा सबसे आप कह सकते हो कि पुरानी जो सिविलाइजेशन है, दैट इज़ द हरप्पन सिविलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द हरप्पन सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। सो रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग जो है मोस्टली जो हरप्पन सिटी है वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। दीज सिटीज़ डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स एगो। ये सिटीज़ जो है कब डेवलप हुए थे, ये सिटीज़ लगभग 4700 ईयर्स एगो जो है ये सिटीज़ डेवलप हुए थे। दीज सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। ये जो सिटीज़ हैं ये कहाँ पर मिले, ये जो है पंजाब और सिंध इन पाकिस्तान, ठीक है, गुजरात, गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले हैं, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज़। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि पुरानी चीज़ें, पुरानी जो हिस्ट्री होती है उनकी, जो जो डिगिंग की जाती है, खुदाई की जाती है, पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है डिपार्टमेंट होता है, और जो इसके बारे में स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, उनको जो है ब्लैक डिज़ाइन की पॉटरी मिली है, स्टोन वेट्स हैं, सील्स हैं, स्पेशल बीड्स मिले, कॉपर के टूल्स मिले एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोन जो है यानी पत्थर के ब्लेड बनाए गए, यानी उनको उस टाइम के जो लोग थे वो एक तरह से औजार के रूप में उनको यूज़ करते थे, ठीक है, टूल्स के रूप में उनका यूज़ करते थे। स्पेशलिटी ऑफ दीज सिटीज़, इन सिटीज़ की क्या स्पेशलिटी है, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। तो मोस्टली जो सिटीज़ हैं उनको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर, तो वेस्ट के जो पार्ट थे वो स्मॉलर थे बट हायर, लेकिन ऊँचाई पर थे। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस द सिटेडल, ठीक है, इसको क्या कहा गया, CITADEL, सिटेडल। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट, ईस्ट में जो थे वो लार्जर थे लेकिन वो लोअर थे यानी नीचे थे। तो देखिए वेस्ट के जो ऊंचाई पर थे जिनको सिटेडल कहा गया, ईस्ट के वो नीचे थे तो उनको क्या कहा गया, लोअर टाउन कहा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिटेडल एंड लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और पूरे पार्ट के जो है चारों तरफ ब्रिक जो होती हैं, बेक्ड ब्रिक वो लगा दी जाती थी, जो ईंटें होती हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटेडल, कुछ सिटीज़ में जो है स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की हुई थी सिटेडल में। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक, ठीक है, तो स्पेशल टैंक जो है मोहनजोदड़ो में स्पेशल टैंक मिला, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, ग्रेट बाथ कहा, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, मे बी जो है आइडिया है कि जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं वो शायद इस टैंक में बाथ जो है करते होंगे, नहाते होंगे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर एल्टर, ठीक है, कालीबंगा और लोथल में जो है क्या है, वहाँ पर फायर एल्टर यानी जो अग्निकुंड होते हैं वो मिले। वेयर सेक्रीफाइसेज मे हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पर सेक्रीफाइसेज क्या होते हैं बेटा, जो यज्ञ किए जाते थे, ठीक है ना। तो यानी आप समझ सकते हो कि इतने पुराने टाइम से भी हमें ये चीज़ें मिली हैं, तो ये यज्ञ की जो प्रोसेस है ये हमारा बहुत पुराना है। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हरप्पा एंड लोथल हैड एलेबरेट स्टोर हाउसेज, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह के जो है मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, जनरली हाउसेज वर इधर वन और टू स्टोरीज हाई, जो हाउसेज हैं वो वन और टू स्टोरीज हाई थी विद रूम्स बिल्ड अराउंड ए कोर्ट यार्ड, यानी एक कोर्ट यार्ड यानी क्या होता है, आंगन, उसके चारों तरफ जो है फिर क्या मिले, मकान मिले, इस तरह से रूम्स मिले, एक कोर्ट यार्ड बनाया जाता आंगन और उसके चारों तरफ फिर कमरे बना दिए जाते। मोस्ट हाउसेज
हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, हर एक हाउस में एक अलग से बाथिंग एरिया होता था, एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में वेल्स के जो अवशेष भी मिले हैं कि जो है जो कुएं जो है वो खोद दिए जाते थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन वर द हरप्पन सिटीज बिल्ट, ठीक है, कब जो है हरप्पन सिटीज बिल्ट जो है कब की गई थी, लगभग अबाउट 47 years ago। तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिख दीजिए बेटा, अबाउट 4700 years ago। तो लगभग 4700 साल पहले ये सिटीज़ जो है डेवलप की गई थी। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट प्लेसेस हैव द रिमेन्स ऑफ हरप्पन सिटीज बीन फाउंड, कहाँ पर जो हरप्पन सिटीज़ हैं उनके रिमेन्स वो पाए गए हैं। तो हरप्पन सिटीज़ के रिमेन्स हमें कहाँ कहाँ मिले, हमने अभी पढ़ा था दीज सिटीज़ वर फाउंड, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, दीज सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब ऑफ इन इंडिया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर और पंजाब इन इंडिया यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है बेटा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बहुत आराम से जो है इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक लिख देना है क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है, देखिए द सिटीज़ ऑफ द हरप्पन पीरियड वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो कौन से पार्ट्स थे, नंबर वन सिटेडल, हमने अभी पढ़ा नंबर वन क्या था बेटे, सिटेडल, ठीक है, एंड सेकंड हमने पढ़ा द लोअर, देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं बेटे आप, ठीक है, यहाँ से द लोअर टाउन एंड सिटेडल, ये देखिए नंबर एक ये लिख दीजिए सिटेडल, एंड नंबर टू लिख दीजिए द लोअर टाउन, यहाँ से आप स्पेलिंग अच्छे से लिख सकते हैं, सिटेडल एंड लोअर टाउन, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। सो ये हो गई बच्चों आपकी आज की बेटा SST की वर्कशीट, इसके साथ जो साइंस की वर्कशीट है वो भी ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट है जहाँ से आप अपनी साइंस की वर्कशीट भी साथ साथ कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।